गुड मॉर्निंग क्लास बेटा, आज मैं आपको साइंस में चैप्टर सेकंड जो है उसका एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि जो आपके शाकाहारी जंतु वो क्या होते हैं, ठीक है, मांसाहारी क्या होते हैं और सर्वाहारी क्या होते हैं। एंड नेक्स्ट जो हमने पढ़ा उसमें हमने ये पढ़ा कि जो आपको फूड होता है वो कहाँ से मिलता है। ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं वो किन पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, और जो प्लांट्स होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो मैंने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा, लास्ट चैप्टर में, कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपने फूड के लिए वो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं, वो अपना फूड जो होते हैं खुद बनाते हैं। ठीक है, बट जो एनिमल्स होते हैं वो अपने फूड के लिए प्लांट्स या अदर एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे हम एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं या फिर अदर एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा कि जो हर्बीवोरस होते हैं यानी कि शाकाहारी होते हैं वो क्या होते हैं। शाकाहारी वो होते हैं जो सिर्फ साग सब्जी खाते हैं, जो प्लांट से बने हुए चीजों को ही खाते हैं, वो आपके शाकाहारी होते हैं। ठीक है, इस तरह से मांसाहारी जो होते हैं वो जंतु होते हैं जो मांस खाते हैं या अदर एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपका होता है सर्वाहारी। सर्वाहारी वो होते हैं जो मांस भी खाते हैं और प्लांट्स यानी कि साग सब्जी को भी खाते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर सेकंड है, जिसका मैं रिवीजन के लिए आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, चैप्टर सेकंड में तो आज का हमारा चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, यानी भोजन के घटक, जो भोजन में हमारे जो घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए बेटा, जो हमारा भोजन होता है जिसमें उसमें हमारे कई सारे घटक होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट आ जाता है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कंपोनेंट जो होते हैं हमारे फूड के जो होते हैं, फर्स्ट आता है आपका कार्बोहाइड्रेट, इससे सेकेंड आपका प्रोटीन, थर्ड फैट, इसके बाद आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, इनके अलावा और भी आपके कंपोनेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत यूजफुल होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया आपका, फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया, ये सारे। ठीक है, तो जैसे देखिए बेटा, आपने इसे कार्बोहाइड्रेट दिया है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और ये हमारी बॉडी का क्या काम करता है। ठीक है, और कैसे मतलब किन चीजों में पाया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है बेटा, जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये हमारी बॉडी के जो होता है बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, ये किस में, ये हमेशा मीठी चीजों में, जैसे आपके पोटैटो हो गया, आलू हो गया, राइस हो गया, बीट हो गया, इन सब में पाया जाता है। मीठी चीजों में कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, आप मीठे फल खाते हैं, मीठा कुछ भी खाते हैं, उन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। और इसका यूज क्या होता है हमारी बॉडी के लिए, कि हमारी बॉडी का जो होता है एनर्जी देता है। ठीक है, और जो एनर्जी का हम यूज क्या करते हैं, एनर्जी का यूज हम तब करते हैं जैसे हमें अदर वर्क करना है तो उसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इवन हम पढ़ते भी हैं तब भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, यानी ऊर्जा देता है। ठीक है, अब देखिए जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये किन चीजों में पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट बेटा सबसे ज्यादा आपका जो होता है मीठी चीजों में, मैंने बताया मिल्क में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, पोटैटो में होता है, राइस में होता है, स्वीट पोटैटो होता है, इनमें होता है, आपके जो फ्रूट्स होते हैं इनमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, इन सारी चीजों में यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपका प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है सबसे ज्यादा होता है, प्रोटीन बेटा पल्स में पाया जाता है। पल्स जो बोलते हैं आपको दाल, ठीक है, जो आप दाल का यूज करते हैं खाने में, दालों में सबसे ज्यादा मात्रा में आपका प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और प्रोटीन का वर्क क्या होता है हमारी बॉडी के लिए, जो प्रोटीन होता है ये हमारी बॉडी के लिए जो ग्रोथ कवर करती है। ठीक है, हमारी बॉडी को मेंटेन करता है, मेंटेनेंस करता है हमारी बॉडी को, इसका ग्रोथ मतलब जो लंबाई होती है, ग्रोथ होता है हमारी बॉडी को, उसके यूजफुल होता है। ठीक है, और हमारी बॉडी को मेंटेनेंस करता है। ठीक है, तो प्रोटीन किसमें पाया जाता है, प्रोटीन आपका पल्स में, मिल्क में पाया जाता है। ठीक है, जितने पल्स होते हैं सब में आपका प्रोटीन होता है। ठीक है, और जो आपके सीड होते हैं अंकुरित, जिसको बोलते हैं अंकुरित बीज, उनमें भी आपका प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है फैट। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका कंपोनेंट है आपके फूड के लिए सब होता है फैट। फैट को हिंदी में वसा बोलते हैं, और ये जो फैट होता है ये जो होता है हमारे जो फूड्स होते हैं जो हम खाते हैं, यानी कि जो ऑयली फूड होते हैं उनमें पाया जाता है। ठीक है, ऑयल में जैसे आपका हो गया मूंगफली होता है, ठीक है, बादाम हो गया, इनमें आपका फैट पाया जाता है। जो ऑयली चीजें हम यूज करते हैं खाते हैं उनमें
होता है, ठीक है। आपने देखिए फैट का यूज क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का यूज होता है हमारी बॉडी के लिए वही फैट का यूज होता है। मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, सेम आपका जो फैट होता है वो भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। फैट किसे पाया जाता है, आपके मिल्क, क्योंकि मिल्क में भी आपको ऑयल घी होता है ना, घी जैसे घी हो गया, तेल हो गया, इनमें पाया जाता है। एग में आपका फैट होता है, फिश में फैट पाया जाता है, ठीक है। मिल्क में होता है आपके, जो भी आपकी ऑयली चीज होती है, घी हो गया, मक्खन हो गया, इन सब में आपका फैट पाया जाता है, ठीक है। और फैट कवर क्या होता है कि जो हमारी स्किन को बहुत मेंटेन रखता है, ठीक है, स्किन को भी एनर्जी प्रोवाइड कराता है, प्लस हमारी स्किन का मेंटेनेंस हमारा फैट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विटामिन। बेटा विटामिन जो होता है ऑल ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है, विटामिन जिसको हिंदी बोलते हैं। विटामिन का यूज क्या होता है, ये हमारी बीमारियों से हमारी बॉडी की रक्षा करता है। जो अनेक प्रकार की बीमारियां जो होती है उन सब से जो विटामिन होता है वो हमारी बॉडी की रक्षा करता है, ठीक है। जितनी भी आपकी वेजिटेबल्स होती है सब में आपका विटामिन पाया जाता है, ठीक है। आपका कोई भी ग्रीन वेजिटेबल है उसमें विटामिन होता है। सबसे ज्यादा अगर विटामिन का यूज करना है तो हमें ग्रीन वेजिटेबल लेना चाहिए, ठीक है। और आपका मिल्क में भी विटामिन होता है, क्योंकि मिल्क जो बेटा होता है इसको मिल्क को हम एक बैलेंस डाइट बोलते हैं, संपूर्ण आहार बोलते हैं। मिल्क में आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स सब कुछ पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए जो आपका मिल्क होता है वो बैलेंस डाइट में रखा गया और मिल्क को सबको लेना चाहिए, ठीक है। मिल्क का जो यूज है सब हर एक पर्सन को करना चाहिए, क्योंकि उसमें सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं, ठीक है। भरपूर मात्रा में सारे कंपोनेंट होते हैं, यानी सारे घटक आपके होते हैं, ठीक है। तो विटामिन का यूज क्या होता है, विटामिन होता है हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाता है, ठीक है। बीमारियों से हमारी बॉडी की रक्षा करता है, ये आपका विटामिन का यूज होता है। नेक्स्ट है आपका मिनरल्स यानी खनिज का। देखिए बेटा मिनरल्स होता है ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत यूजफुल होता है। जैसे इसमें मिनरल्स में आ गया आपका आयरन, ठीक है। आयरन क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो होता है ब्लड को बढ़ाता है, ठीक है, इसके लिए ब्लड को बढ़ाता है। तो मिनरल्स भी जो होते हैं ये आपके जो होते हैं आपके जो शीर होते हैं, अंकुरित स्पॉट सीन होते हैं उनमें पाए जाते हैं, ठीक है। और ग्रीन वेजिटेबल है पालक में जैसे मिनरल्स होता है, ठीक है। कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिनमें मिनरल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब हमने पढ़ा कि जो आपके कंपोनेंट्स फूड के कंपोनेंट्स वो कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं आपका, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स, ठीक है। ये आपके किसमें पाए जाते हैं और इनका यूज क्या होता है ये मैंने आज आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो ये इतना आपको समझ में आया, सारे बच्चों का होमवर्क क्या है, ठीक है। इसके आगे मैं आपको कल बताऊंगी कि एक साथ मैं सारा चैप्टर एक्सप्लेन कर दूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका होमवर्क ये है कि आपको एक चार्ट बनाना है जिसमें कंपोनेंट ऑफ फूड लिखने, वन साइड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, इस तरह से आपको पूरा लिखना है, ठीक है। और इसका यूज क्या होता है और किन वेजिटेबल्स में ये पाया जाता है ये आपको लिख के लेके आना है, ठीक है, दिखाना है मुझे। फिर से एक बार समझ लीजिए, एक तरफ आपको अपने कंपोनेंट्स लिखे हैं फूड के, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, फैट, ठीक है, मिनरल्स और प्रोटीन, ये सारे लिखने, और ये किन वेजिटेबल्स में या किन चीजों में पाए जाते हैं वो आपको लिखना है, ठीक है। और इनका यूज हमारी बॉडी के लिए क्या होता है ये आपको लिखना है, ठीक है। समझ में आया होमवर्क सारे बच्चों को, ये होमवर्क हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चे करेंगे, ठीक है। तो आप करके मुझे दिखाएंगे, नेक्स्ट क्लास में इसका बाकी का जो चैप्टर है वो मैं एक्सप्लेन करूंगी, ओके क्लास।